सो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी इतनी छोटे से प्रैंक की वजह से इतनी पुलिस आ गई है। हाय गाइस, माय नेम इज उत्सव मर्तोलिया। तो गाइस, मेरे को आपको एक चीज बतानी थी कि ये वीडियो वैसे है तो प्रैंक की, बट इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। अभी हमने 2-3 डेज पहले गन प्रैंक करा था पब्लिक में, द्वारका में। पीछे मुड़ के 10 तक उल्टी गिनूंगा, दिखना नहीं चाहिए। ओए, मैं सोचा कहीं कुछ देगा तो नहीं, सच बता दे। सच बता, नहीं देगा भाई। मेरे को बंदे ऐसे पसंद नहीं है जो आ रहा है भाई। बिल्कुल, यो बंदे ने भी मेरा, ये बंदा है मेरा बैठा है। अरे भाई, मैं क्या यार, अरे इसने इन्हें मार के ये देख लिया इसने खून। अरे भाई क्या बात कर रहा है, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे भाई ऐसे कहा है भाई, भाई प्लीज प्लीज है भाई, ले फोन ले ले मेरा। अरे फोन भाई, भाई माफ कर दे मैं। निकल ले, निकल निकल। उठ जा उठ जा भाई, मजाक कर रहे हैं यार भाई, गिर जाता भाई। और तेरे पैसे यार, क्यों मारने का तुल रहा है मेरे को। जब घूम जाता ना तो कैसा कह रहे हैं, ये देख लिया, कुछ नहीं देखा ना इधर। कोई नहीं भाई। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब हम गन प्रैंक बना रहे थे तो हमें बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मिले, तो हमने 5-6 शॉट्स लिए। उसमें हम 3 लोग थे, मैं जैसे मैं विक्टिम बना था, मेरा दोस्त शेल्बी था और विशाल था, विशाल कैमरामैन बना था और शेल्बी गैंगस्टर बना था जिसके पास गन होगी। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे थे कि शेल्बी मेरे को थ्रेटन कर रहा था लोगों के सामने और मेरे को शूट कर रहा था, पैसे मांग रहा था। मैं उसके सामने हाथ जोड़ रहा था कि मेरे को मत मार, और कैमरा विशाल से मार रहा था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने ऐसे शॉट्स लिए तो वीडियो बहुत अच्छी बनी और हमें बहुत अच्छे एपिक रिएक्शंस मिले। बात क्या हुई कि हमने एक बंदे पे प्रैंक करा था, तो हुआ क्या, हमने जब उस पर प्रैंक करा तो वो बहुत डर गया। उसके बाद हमने उसको बताया कि दिस इज़ अ प्रैंक, तो उसके बाद ज़्यादा वो मत कर, तो वो बंदा गुस्सा हो गया। ओए, मैं सोचा कहीं कुछ देगा तो नहीं, सच बता दे। सच बता, नहीं देगा भाई। मेरे को बंदे ऐसे पसंद नहीं है जो झूठ बोले भाई। बिल्कुल, यो बंदे ने भी मेरा, ये बंदा है मेरा बैठा है। अरे भाई, मैं क्या यार, अरे इसने इन्हें मार के ये देख लिया इसने खून। अरे भाई क्या बात कर रहा है, मैंने कुछ नहीं देखा। तो एक्चुअली हुआ क्या, वो बंदा बहुत गुस्सा हो गया, नाराज हो गया कि हमने उसको ऐसे से प्रैंक करा करके। तो हमने उससे माफ़ी मांगी कि ऐसा नहीं करेंगे भाई आइंदा से हम। तो हुआ क्या, उस बंदे ने पुलिस कंप्लेंट कर दी गुस्से के मारे और डर के मारे। इमीडिएटली 10 मिनट्स के अंदर पुलिस आ गई। तो हम अपना शूट कंटिन्यू कर रखे थे, तो हमने देखा कि वहाँ 5-6 पुलिस मैन आ गए हैं। तो उनने हमसे पूछताछ करी पहले, तो जैसे ही वो आए तो हमें लगा कि ये शायद हमारे लिए ही आए हैं। तो हम ऐसे ही हम फोटो वोटो खींचने लग गए, तो हमें लगा क्या पता ऐसे ही आ गए हो, क्योंकि हम पक्का कन्फर्म नहीं थे।
तो बाद में उनने पूछा कि यहाँ पर एक फायरिंग की शिकायत आई है, तो हमने बोला कि हाँ हम ऐसी वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो उनको वीडियो वगैरह दिखाई, तो देखते ही देखते 5 मिनट्स के अंदर 5 पुलिस वाले और आ गए, और देखते ही देखते ऐसे 15 मिनट्स हो गए, तो कम से कम हमारे पास 20 या 25 पुलिसमैन आ गए, तो हम थोड़े डर गए। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी इतनी छोटे से प्रैंक की वजह से इतनी पुलिस आ गई है, देख लो। एक इतनी सी गलत, भाई सही बताऊं तुम्हें, अगर तुम ये प्रैंक कर रहे हो ना मत करना भाई, बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। देख लो भाई कितनी पुलिस आ गई। तो फिर हमने उनसे बातचीत करी, तो फिर उनने कहा अभी इंस्पेक्टर सर आएंगे, उनसे बात करिए तो वो बताएंगे। हमने उनको बताया कि हम ऐसे ऐसा करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, तो उनने एक्चुअली बोला कि हमें कि तुम ठीक है, तुम यूट्यूब वीडियोस बनाते हो ये ठीक है, बट उनने बोला कि तुम्हें परमिशन भी लेनी चाहिए इन सब काम के लिए, कोई बंदा कुछ और समझ लेगा तो कुछ हो जाएगा उसे, तो हमने परमिशन नहीं ली थी। तो हम गाइस आप सबको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसी कोई गन प्रैंक वगैरह की थोड़ी डेंजरस वीडियोस बनाते हैं तो हम थोड़ी परमिशन लेंगे। तो जो हमने पहले गन प्रैंक्स बनाए थे, तो हमने क्या करा था उसमें, एरिया में से लोगों को पहले बताया था कि यहाँ पर एक शूटिंग होने वाली है, तो डरिए वरिए मत, तो ये बस ऐसे शूट हो रहा है, तो हमने थोड़ा एरिया अलर्ट कर दिया था, तो उस समय इतना केओस नहीं हुआ, बट एक्चुअली इसमें हुआ कि हमने इंस्टेंटली शूट स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ थोड़ा केओस हो गया कि यहाँ पर साइड में एक अपार्टमेंट भी था, वहाँ से भी एक कंप्लेन आ गई पुलिस को कि फायरिंग की वो आई है, तो वहाँ पर कम से कम 5 से 10 पुलिसमैन आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे करके 20 से 30 तक हो गए, तो हम बहुत डर गए कि हमने इतना बड़ा कुछ वो नहीं करा, तो वो बोल रहे थे कि ये करना थोड़ा ध्यान से करना अगली बार, थोड़े परमिशन वगैरह लेके, ये ठीक नहीं है कि किसी को ऐसे वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालना। तो हमने बोला ठीक है, हमसे गलती हो गई, तो उनने बोला कि अभी तुम जा नहीं सकते, तो उनने हमें अभी छोड़ा नहीं। हमने बोला कि सर मतलब कब तक छोड़ोगे हमें, तो बोलते कि अभी इंस्पेक्टर आएंगे उनसे बात करो, तो हमने तब तक उनके साथ थोड़ी बातचीत करी, उनने हमारे नाम वगैरह लिए, जैसे आप ये वीडियो में देख सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मोबाइल नंबर वगैरह लिया और थोड़ी आइडेंटिफिकेशन मांगी कि कहाँ रहते हो, कैसे आए हो, कौन सा व्हीकल है और ऐसे क्यों कर रहे हो, तो हमने थोड़ा बताया उनको ये बात थी, तो थोड़ा कंक्लूजन ओके। तो उसके बाद कम से कम 30 मिनट के बाद इंस्पेक्टर सर आए, तो हमने उनसे बात करी, तो थोड़ा मैटर क्लोज हुआ, थोड़ा वो गुस्से में थे, हमने उन्हें थोड़ा बताया कि हम ऐसे ऐसे करते, तो वो थोड़े शांत हो गए, तो उनको लगा कोई बात नहीं, फिर उनने बोला कि अगली बार ऐसा मत करना। बट एक्चुअली हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे थे इस वीडियो के थ्रू, गाइज अगर आप कभी भी ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो परमिशन लेके बनाइए, और दूसरी बात अगर कभी भी किसी बंदे पे प्रैंक कर रहे हो तो उन्हें बताइए कि ये प्रैंक हो रहा है, वो जो पर्सन है वो असली में ना समझ ले, तो तभी उनको ज़रूर बताइए। तो गाइस इतना सब कुछ हो गया, पुलिस वाले भी आ गए। गाइस हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि शूट्स में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है और थोड़ी बहुत ऐसी परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से हमें थोड़ा शूट डिले करना पड़ता है, तो हम यही चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए और हमारी जो भी वीडियोज़ आई लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और गाइस मैं तुम सबको लाइक करने के लिए वीडियो क्यों बोलता हूँ, मान लो आप सबने बहुत अच्छा लाइक्स का रेशियो दिया है, तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेटेड फील होता है कि हाँ हम आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का और सोचता है। अगर आप हमें लाइक नहीं देंगे तो हम डीमोटिवेट होंगे, तो ज़रूर आप सब हमारी वीडियोस लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को, और डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा यूज़र नेम स्क्रीन में आ रहा होगा, मैं सारी अपडेट्स वगैरह दूंगा कि कब कौन सा प्रैंक आ रहा है और कब तक आएगा, तो मेरे को ज़रूर फॉलो करिए। और हाँ गाइस मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करिए, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन और स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा, तो उसमें भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा लग रहा है कि हाँ हम मेहनत करते हैं, तो गाइस हमें ज़रूर लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और हम आगे ऐसे नए कंटेंट्स और लाएंगे, तो गाइस तब तक के लिए बाय। पीछे मुड़ के 10 तक उल्टी गिनूंगा, दिखना नहीं चाहिए।
ओए एक बता कहीं कुछ देगा तो नहीं, सच बता दे, सच बता। नहीं देगा भाई, मेरे को बंदे ऐसे पसंद नहीं है जो झूठ बोले भाई। बिल्कुल जो बंदे ने भी मेरा ये बंदा है मेरा पैसा है। अरे भाई मैं क्या यार, अरे इसने इन्हें मार के ये देख लिया इसने खून। अरे भाई क्या बात कर रहा है, मैंने कुछ नहीं देखा।